हे फ्रेंड्स, क्या आपके बाल नहीं बढ़ रहे? सो शहनाज हुसैन के ये घरेलू नुस्खे बालों को बढ़ाएंगे भी और बनाएंगे बाउंसी और नेचुरली सिल्की और शाइनी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज मैं लेके आई हूँ शहनाज हुसैन के हेयर केयर टिप्स, वो भी हिंदी में। तो मैं हूँ पद्मनी, आप देख रहे पद्मनी के चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्यूटी आइकन शहनाज हुसैन आपको कुछ ऐसे हेयर केयर सीक्रेट्स बता रही हैं जो आपके बालों को घना बनाने के साथ साथ मजबूत भी बनाएंगे और सिल्की शानदार बनाएंगे, क्योंकि हर किसी को पसंद है बाउंसी हेयर, सिल्की और शाइनी हेयर। सो कौन लड़का या लड़की, पुरुष हो या महिला, नहीं चाहता कि उसके बाल हेल्दी और मजबूत हो ताकि वे कोई भी हेयर स्टाइल आसानी से कैरी कर सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि बालों को हेल्दी और अन्य समस्याओं से मुक्त रखने के लिए नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है? हमारे बाल पर्यावरण में फैली गंदगी और प्रदूषण से बहुत जल्दी संपर्क में आ जाते हैं और ये गंदगी हमारी स्केल्प पर जमा हो जाती है, जिसके कारण ही बालों की समस्याएं पैदा होती है। हालांकि कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे आप अपने बालों को मजबूत बना सकते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ अपने घर की रसोई की सेल्फ में झांकने की ज़रूरत है। ब्यूटी आइकन शहनाज हुसैन आपको कुछ ऐसे हेयर केयर सीक्रेट्स बता रही हैं जो आपको, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपके बालों को ये घना बनाने के साथ साथ मजबूत भी बनाएंगे, ग्रोथ भी बढ़ाएंगे। सब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि हमको पता है होती है लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये एक हेयर आइकन है जिन्हें आप मतलब जानते ही होंगे। सो वो बता रही हैं, सो ये 100% काम करती है। सो उसमें हम पहली चीज़ लेंगे लहसुन। लहसुन हर घर में पाई जाती है जो कि बालों के लिए फ़ायदेमंद मानी जाती है, और वास्तव में ये बालों को झड़ने से रोकती है, और इतना ही नहीं ये बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाती है। एक शोध में भी इस बात की ओर इशारा किया गया था कि लहसुन बालों को बढ़ाने में मदद करती है। इसमें मौजूद सेलेनियम और सल्फर बालों को बढ़ाने के काम करते हैं और बालों को मजबूती भी देती है। सो सेलेनियम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है जो बालों के रंग में पोषक तत्वों को ले जाने में मदद करती है। यह बालों को पोषण भी देती है और बालों को बढ़ने का काम करती है। साथ ही लहसुन में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जो बालों को हेल्दी बनाने के साथ साथ ग्रोथ भी बढ़ाती है। इतना ही नहीं, लहसुन में एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं। ये स्काल्प को बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। ये बहुत ईजी है, आप अपने घर पर लहसुन का तेल बना सकते हैं। जी हाँ, आप खुद घर पर भी लहसुन का तेल बना सकते हैं जो बालों को बढ़ाने में मदद करेगा। लहसुन की कलियों को छोटे टुकड़ों में काटकर शुद्ध नारियल तेल या फिर जैतून के तेल में मिला लें। जब उसे एक जार में रखकर 7 दिन या 10 दिनों तक ठंडी या फिर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ हवा ना आती हो। आप चाहें तो नारियल का तेल गर्म कर उसमें कटा हुआ लहसुन मिला सकते हैं जो कि इंस्टेंट बनेगी। अगर आप फ्रेश बनाकर लगाना चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा इफेक्टिव वाला तेल चाहिए तो आप इस पहले वाले प्रोसेस में लहसुन का तेल बना सकते हैं। यानी छोटे छोटे कलियों में लहसुन को काट कर शुद्ध नारियल तेल में एक बड़ा सा जार ले लीजिए, ग्लास का जार हो टाइट वाला, और उसे नॉर्मल टेम्परेचर में रख दें 7 से 10 दिन तक। उसके बाद आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि लहसुन थोड़ी स्मेल करती है तो उसे आप शैम्पू से आधे घंटे पहले अपने स्कॉल्प में अच्छे से मसाज कर लें, मालिश कर लें, उसके बाद आप शैम्पू से बालों को धो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हॉट ऑयल थेरेपी। अभी चल रही है विंटर, विंटर में आपको हॉट ऑयल थेरेपी इस्तेमाल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यह अच्छी नींद भी देगी और आपके दिमाग से स्ट्रेस भी कम करेगी। सो हॉट ऑयल थेरेपी बालों में ज़रूर अप्लाई करें। बालों को बढ़ाने के लिए आप हॉट ऑयल थेरेपी भी ले सकते हैं। गर्म तेल से हल्की हल्की मालिश बालों के जो रोम छिद्र हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। ध्यान रखें कि ज़्यादा तेज़ी से मालिश ना करें क्योंकि इससे बाल टूट सकते हैं। अपनी उंगली से बालों के अंदर तक तेल लगाने की कोशिश करें। अब शुद्ध नारियल तेल को गर्म कर उसमें
बालों पर उसको बालों पर लगा सकते हैं। इसके बाद गर्म पानी में एक तौलिया डुबोएं और पानी को निचोड़ें और गर्म तौलिया को सिर के चारों ओर पगड़ी की तरह लपेट लें। इसे 5 मिनट तक लगा रहने दें। गर्म तौलिया को 3 से 4 बार आप लपेट सकते हैं। यह बालों को और स्कैल्प को तेल को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। नेक्स्ट है, अभी विंटर में ज़्यादातर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है रूसी और खुजली की। इसे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप नीम का अप्लाई करें। स्कैल्प पर रूसी और खुजली से छुटकारा पाने के लिए नीम के पत्तों को पानी में उबालें और रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अगले दिन नीम के पत्तों का पेस्ट बनाएं और बालों पर पैक की तरह लगाएं। 20 मिनट बाद आप सादे पानी से बालों को धो लें। ऐसा करने से आपके रूसी और खुजली दोनों ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, सबको पता है कि नारियल का तेल बाल बढ़ाने में मददगार होती है, लेकिन आजकल कोई इसे इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। कोई बहुत ज़्यादातर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल मसाज करते ही नहीं हैं, और कुछ फैशनेबल ऑयल होते हैं जो कि लोग प्रयोग करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कोकोनट मिल्क बालों को बढ़ाने में मदद करती है। आप रात में बालों पर नारियल का दूध लगा लें और रात भर लगा रहने दें। अगली सुबह बालों को धो लें। कोकोनट मिल्क न सिर्फ बालों को बढ़ाने में मदद करती है बल्कि रूखे बालों को मुलायम करती है। अगर आप कोकोनट ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप कोकोनट मिल्क को अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो आप बालों को एक्स्ट्रा बाउंसी बनाने के लिए अंडा का यूज कर सकते हैं। मैं बालों में अंडा यूज नहीं करती, वैसे मैं खा लेती हूँ नॉनवेज कभी कभार, लेकिन बालों में अंडा अप्लाई नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप एक अंडे में 2 बड़े चम्मच तिल का बीज मिलाकर बालों पर लगाएं और फिर 10 मिनट के लिए बालों पर गर्म तौलिया लपेट लें। अंडे में बायोटिन होती है जो बालों की ग्रोथ में मदद करती है, और अंडा प्रोटीन का भी हेल्दी सोर्स है जो नए बाल उगाने में भी मदद करते हैं और बालों को सिल्की और हेल्दी बनाती है अंडा। तो अगर आप पसंद करते हैं तो अंडा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्याज का रस। ये प्याज का रस वाली अभी ट्रेंड चल रही थी जो कि बालों को बढ़ने में मदद करती है। सो स्कैल्प पर प्याज का रस लगाने से बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ती है, क्योंकि प्याज में मौजूद सल्फर बालों को बढ़ाने का काम करती है, जैसे कि लहसुन वैसे प्याज भी है। नेक्स्ट है, साउथ इंडिया में बालों में यूज किया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो है करी पत्ता। करी पत्ता बालों को बढ़ाने के लिए करी पत्ता लगाया जा सकता है। करी पत्ते से बने पेस्ट को दही में मिलाकर बालों के लिए पैक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आप उसे एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर भी बालों पर लगा सकते हैं। यह बालों को बढ़ने में मदद करती है और बनावट में सुधार करती है। हफ्तों में 2 बार नारियल के तेल में ताज़ा करी पत्ता मिलाकर उबाल लें। इसे तब तक उबालें जब तक कि ये बिल्कुल काला ना हो जाए, और फिर उस मिक्सचर को ठंडा कर लें, और फिर वो उबलने वाली जो मिश्रण मिक्सचर वाली ऑयल है उसे ठंडा कर लें, और फिर स्कैल्प पर इस काले तेल को अप्लाई करें। इसे 1 घंटे तक लगा रहने दें और फिर बालों को कोई भी अच्छी वाली शैम्पू से धो लें। हमेशा ध्यान रखें कि हेल्दी स्कैल्प भी बालों को उगाने में मदद करती है, इसलिए आपको पहले आपके स्कैल्प को एकदम क्लीन रखना है और हेल्दी रखना है। अगर स्कैल्प हेल्दी रहेगी तो आपकी बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, बाल भी हेल्दी बने रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही सिंपल घर में बनने वाली कुछ टिप्स जो कि शहनाज हुसैन की है, जो कि एक ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। सो इन्हें अगर आप बिलीव करते हैं तो इस टिप्स को अपना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। बाय। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।